जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवंदितं स्वाभाविक चिदानंदस्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं भक्षे समासत जीवं जीवं वंदे तम सर्वदा शिरसा। सत्रहवीं गाथा का जो सिद्ध भगवान सहकारी कारण उदासीन रूप से भव्य जीवों को सिद्ध गति में बनते उसका स्पष्टीकरण सुबह हुआ था। इसी प्रसंग में गुरुदेव ने कुछ और द्रव्य संबंधी चर्चा की है, आज अपन उसका आनंद लेते हैं। पहले 230 पेज पर गाथा पाठ करते। गई परिणयान धम्मो उग्गल जीवान गमन सहयारी तोयम् जह मच्छाणम् अच्छन अच्छन्त ये गलत लिखा है अच्छन्ताणे वसोणे वी अच्छन चाबी आ गया ना अचंचत अगच्छताम उसका है ये गति परिणता नाम धम्म उद्गल जीवा नाम गमन सहकारी तोयम था यथा मत्स्यानाम अगच्छताम नैव सह नयति स्वयं चलती मीन को जल निमित होता जिस तरह चलते हुए जिय पुद्गलों को धर्म दलव उसी तरह। पेज नंबर 234 निकालिए, क्योंकि ये 6 द्रव्यों का वर्णन चल रहा है तो विशेष रूप से गुरुदेव 6 द्रव्य संबंधी चर्चा भी करते। इस सबसे नीचे का पैराग्राफ है, उसके ऊपर 2 लाइन में लिखा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से मिलता है ऐसा मानने पर 6 द्रव्य नहीं रहते। ये कोई पॉलिटिक्स थोड़ी है, है? कट्टरवादी सेकुलरवादी मिलने लगे, ऐसा तो इसमें नहीं होता। चेतन कभी जड़ से नहीं मिलता, जड़ कभी चेतन से नहीं मिलता। वास्तव में तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए बेकार है, भाषा देखो आप, किसी काम का नहीं, नकामा। अपने लिए पूरा है, दूसरे के इसमें तो बेकार ही लिखा है भाई। शादवाद शैली में तो है ही नहीं, ऐसा लिखते क्या है? ऐसा कहते कभी दूसरे द्रव्य है ही नहीं पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा मैं असत रूप हूं और मेरे स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा परद्रव्य असत रूप है, तो असत हो गया ना, इसमें तो बेकार ही कहा है। कम से कम बेचारे की सत्ता तो स्वीकृत रखी,
सिद्धांत तो ये कहता है कि उसकी अस्ति उससे है और मेरी अपेक्षा उसकी नास्ति है। यही शैली शायद आपने अध्यात्म में सुनी हो कि अन्य जीव भी अपने जीव की अपेक्षा अजीव है चेतन है, सिद्धांत रूप से जीव है, अनंत जीव है। नहीं तो ऐसा लिखते जीव एक है बाकी सब जीव अजीव है, ऐसा थोड़ी है। जीव अनंत अनंत है, है? लेकिन हमारा अस्तित्व हमारी चेतना से है, हमारे ज्ञान से हम जन क्रिया करते, अपना आनंद भोगते, अपने सुख दुख भोगते, पर के सुख दुख भोगते नहीं है, पर का कुछ करते नहीं है। तो जैसे अजीव हम में कुछ नहीं करता, हम अजीव में कुछ नहीं करते, ऐसे अन्य जीव भी हमारे में कुछ नहीं करता और हम अन्य जीवों में नहीं करते। इसलिए एक ही तराजू के एक ही तुला पलड़े पर रखे जाएंगे। अब तो दो पलड़े होते ही नहीं है, अब तो एक ही पलड़ा हो गया तराजू का, वो आगे नहीं इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन दो पलड़ों में एक ओर राम में भगवान आत्मा, दूसरी तरफ अन्य जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल क्षेत्र। इसी शैली की मुख्यता से वो किन्ने लिखा है, ये सातवां द्रव्य हो जाता हूं धर्मदास जी में, स्वात्मानुभव मनन। अभी तो दूसरी बात भी मुझे बहुत बढ़िया इसमें आने वाली, प्रत्येक आत्मा और पुद्गल द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, वे स्वयं ही स्वयं में कार्य करते हैं। यदि एक द्रव्य के कारण अन्य द्रव्य का कार्य माना जाए तो द्रव्य अनंत नहीं रहते, सत्ता एक हो जाएगी ना, फिर एक का दूसरे में प्रवेश होएगा, व्याप्य व्यापक भाव होगा, तब कर्ता कर्म बनेगा। इसलिए दो सत्ताएं एक हो जाएंगी, तब लोक भी नहीं रहेगा और ममता की पर्याय अन्य के कारण मानने में आए अथवा ममता पर्याय में नहीं ऐसा मानने में आए तो जीव द्रव्य नहीं रहे। देखो ये एक बिल्कुल दूसरा पॉइंट ले लिया उन्होंने, वाक्य वही है सेंटेंस। ममता माने जो, जैसे कि मैंने देह को अपना माना, इसका नाम है ममता। लोक में ममता दूसरे के प्रति करुणा या प्रेम को कहते हैं, वात्सल्य को भी कहते, माँ का बेटे के प्रति ममता बहुत होती। असल में ममता का मतलब मेरा, मम माने मेरा होता है। तो ये देह मेरी है, मैं मोटा हूं, गोरा हूं, काला हूं, पतला हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, इसको कहते अहम बुद्धि। और भेद करके बोलो तो इसी को बोलते मम बुद्धि, मेरे सिर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, ऐसा। तो ये मम बुद्धि हो गई, फिर वो मम बुद्धि अन्य पदार्थों में भी व्याप्त हो जाती है, मेरा घर है, मेरा देश है, मेरा मकान है इत्यादि, मेरा भारत महान है, है? ये मम बुद्धि कहलाती, और मैं इसका करता हूं ये कर्तत्व बुद्धि है, मैं इसका भोगता हूं ये भोक्तत्व बुद्धि है। हाँ, ये सब मिथ्यात्व के रूप हैं, ये कहना, ये सब मिथ्यात्व के ही भिन्न भिन्न शकलें हैं उसकी। मिथ्यात्व एक है, शकल अनेक है उसकी, अनेक तरह की विपरीत मान्यताएं होती हैं। मूल में तो देह में आत्मबुद्धि और आगादि में सुख बुद्धि, उसको भी डॉक्टर साहब बता रहे हैं भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट, दो तरह के। तो ममता यानी देह को अपना माना, तो ये मम बुद्धि जो है देह के कारण हुई है कि जीव ने स्वयं ही माना, ऐसा देह ने तो नहीं कहा कि तुम हमें अपना मानो। तो अन्य के कारण यानी पर पदार्थ के कारण माना जाए, अथवा दूसरी भूल, मेरी पर्याय में राग है ही नहीं, ऐसा ममता पर्याय में नहीं ऐसा मानने में आए तो जीव द्रव्य नहीं रहेगा। मतलब वर्तमान पर्याय को द्रव्य के अस्तित्व में स्वीकार करना,
सभी जगह दृष्टि के विषय की बात चलती है ऐसा नहीं है, बहुत कथन प्रमाण दृष्टि से होते हैं। बहनश्री तो प्रमाण दृष्टि से ही सल्यूशन देते हैं। आज की चर्चा में था वो ज्ञायक जो है वो पर को जानता है इसलिए ज्ञायक है, ऐसा नहीं है, वो तो स्वभाव से ही ज्ञायक है, ये विषय आया था। पुण्य पाप की अशुद्ध पर्यायें या अविकारी शुद्ध पर्यायें जीव द्रव्य में हैं, बोलो। यहां द्रव्य मतलब वो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव की बात नहीं है, यहां गुण पर्याय द्रव्यम उत्पाद वे द्रोह युक्तम सत द्रव्य गुण पर्याय आत्मक वस्तु, तो उसमें तो राग भी लिखा ना अशुद्ध पर्याय, वो तो पर के लक्ष्य से जीव उत्पन्न करता है इसलिए अशुद्ध कहते, उसमें पर घुस जाता है, जैसे ज्ञान में ज्ञेय नहीं घुसता, बराबर है, उसी तरह राग में रागे जिसके प्रति राग किया है वो पदार्थ राग में आ जाता है, नहीं आता राग, तो जीव राग करके रह जाता है बस, है ये मकान मेरा है, तो ऐसी मान्यता में मकान अंदर नहीं आ जाता है, जीव में नहीं आता, उसके गुण में नहीं आता, उसकी पर्याय में नहीं आता। अभी दूसरी बात इसमें ये समझने लायक है कि अशुद्ध पर्याय या अविकारी शुद्ध पर्याय जीव द्रव्य में है, कोई एक ही जीव द्रव्य में दोनों तरह की पर्याय हो गए ऐसी बात नहीं है, जिसमें जो लागू पड़े, साधक दशा में शुद्ध अशुद्ध दोनों तरह की पर्याय होती, अज्ञानी की तो मुख्यतया सब अशुद्ध पर्याय हो, वो बाकी गुण अशुद्ध शुद्ध नहीं अशुद्ध रूप नहीं परिणमते वो बात अलग है, प्रयोजन तो जिनसे सुख दुख का संबंध है मुख्यता तो उन्हीं की रहती, उन्हीं के कारण जीव अशुद्ध द्रव्यार्थिक नए बना है, अशुद्ध पर्यायार्थिक नए बने, सब अशुद्धता दर्शन ज्ञान चारित्र की अशुद्धता ही अशुद्धता है वास्तव, हाँ संसार अवस्था में। अब देखना भाई गुरुदेव का न्याय देखो आप, वस्तु स्वरूप का एक पर्याय को निकाल दो तो अखंड जीव का नाश होता है। निकाल दो माने क्या, कैसे निकाले, मानो नहीं उसको, त्रिकालवर्ती पर्यायों में, अभी बहुत बढ़िया बढ़िया उदाहरण देने वाले, त्रिकालवर्ती पर्यायों में एक भी पर्याय का, खासकर वर्तमान पर्याय, क्योंकि बहुत से जीव बिल्कुल सर्वथा पर्याय रहित मानते हैं ना, मतलब अपने जैन मत में भी, तभी तो 14 प्रकार के क्या है वो परिशिष्ट में, अज्ञानी के एकांत 14 प्रकार के मिथ्या एकांतियों का वर्णन किया है और सबको पशु बोला है, है? तो सर्वथा नित्य मानने वाले अपने में भी और अन्य मत में भी वेदांत इत्यादि, तो जो पर्याय को नहीं मानेगा वो समझ लो द्रव्य को ही नहीं मानेगा, क्योंकि द्रव्य ही पर्याय में परिणमित होता है, है? कोई कहे कि हमें स्वर्ण चाहिए है, लेकिन स्वर्ण में चाहिए क्या है आपको, आप कपड़े की दुकान पे जाओ तो कपड़ा दिखाओ, काय का कपड़ा दिखाएं, समझ में आए कि कुर्ते का पजामे का कोट का पेंट का सूट का काय का दिखा, अरे आप पर्याय की बात मत करो, हम तो त्रिकाली द्रव्य वाले हैं, पर्याय का नाम सुनने ही से हमें मिथ्यात का दोष लगता है। समझ में आया, आप तो कपड़े की बात करो ना, हम तो कपड़ा खरीदने आए, बोलो खरीद सकते हो, इट इज राइट है। क्या कहें अभी है? सोना खरीदना है, सोना बिना किसी उसकी शकल के अवस्था के सोने को देख के बता दो तो जाने, दृष्टि में देख सकते, पर्याय को गौण करके स्वर्ण मात्र के स्वभाव को मुख करके स्वर्ण का अनुभव किया जा सकता है, परंतु अकेले स्वर्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता, बिस्कुट में होगा, सिक्कों में होगा, दिवाली में सिक्के विक्के भी बहुत बिकते हैं, और हार होगा, कड़ी चूड़ा कुछ भी होगी दागीना, तो इस तरह पर्याय को न मान,
और अखंड जीव का नाश होता है, यानी अखंडता नष्ट होती है, नष्ट वश तो नहीं होती, तेरी मान्यता में अखंडता कायम नहीं रहती। अभी देखना प्रश्न है, जीव को एक पर्याय को न मानने पर अखंड जीव का नाश कैसे होता है? अरे जरा सी एक ही पर्याय तो निकाली है, पूरे पूरा का तो सुरक्षित है, अभी अनंत गुण को नहीं निकाला, भूत भविष्य की पर्यायों को नहीं निकाला, सबको रखा है, खाली वर्तमान पर्याय को निकाला है। हाँ, वेंसरी की भाषा इस संबंध में बहुत संतुलित है, बिल्कुल वो गौण पर्याय को गौण करते हैं, उस पर दृष्टि नहीं रखते, तो उनका कोई दृष्टि का विषय गुरुदेव से कमजोर है ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो मुख्य गौण वाली शैली है, और गुरुदेव तो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। कोई प्रश्न पूछे तो सर्वथा भिन्न है ना, हाँ सर्वथा भिन्न है, ये तात्कालिक उत्तर है, सैद्धांतिक उत्तर नहीं, समझ में आया? क्योंकि अन्यत्र वो भी जब पंचाष्टिकाय का प्रवचन करेंगे तो पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती, ये भी तो बोलते हैं, फिर उसका क्या हुआ? सर्वथा भिन्न है, लोग बाग उसी को निकाल निकाल के छापते हैं, देखो कहा है सर्वथा भिन्न है, सर्वथा भिन्न है, ऐसे कई बार चर्चा में आता है, 8-10 दिन में एक बार आ ही जाता है कि पर्याय को सर्वथा भिन्न माने तो वस्तु स्वतंत्र दूसरी हो जाए, ऐसा है भाई। अब समाधान सुनो, 100 वर्ष की आयु में से एक समय निकाल दो तो 100 वर्ष की आयु नहीं रहती है, एक आदमी समझ लो 100 साल तक जीना है तो ऐसा करें 60 वर्ष तक तो कंटिन्यू जिएगा, फिर एक सेकंड के लिए मर गया और फिर दोबारा वो जी गया, तो उसका अस्तित्व वो एक सेकंड नहीं रहा, तो फिर 100 वर्ष की आयु मानी जाएगी। अरे सरकारी नौकरियों में ऐसा होता है, अगर आपको सस्पेंड कर दिया जाए या निकाल दिया जाए और दोबारा आपको फिर वो कंपनी रख ले तो वो शर्त लगाती है अभी से नौकरी चालू मानी जाएगी। मुनि दीक्षा में तो ऐसे ही होता है, है? जैसे विष्णु कुमार ने दोबारा दीक्षा ली तो उस दिन से दीक्षित मुनि माने जाएंगे, फिर उनके जो पहले उनने जिनको दीक्षा दी थी ना, हाँ वे इनके गुरु हो गए, जो उनके शिष्य हो गए, तो एक समय का भी विच्छेद नहीं पड़ सकता अखंडता में। ये मजेदार चीज है बहुत, आप वायर में इलेक्ट्रिसिटी में देख लो, पूरा समझ लीजिए जहां मीटर से लेके कनेक्शन लिए हैं तो सॉकेट के अंदर तक पूरा वो प्लग उसका जाना चाहिए, वो दोनों तार मिलना चाहिए, एक प्रदेश भी अगर दूरी रही और बीच में कहीं से चूहे ने काट लिया तार तो पूरी बिजली गई। बोलो आप, लोक में भी ऐसा है, किसी चीज की अखंडता क्षेत्र की भी कायम रहती है, काल की भी रहती है, और भाव की अखंडता वो त्रिकाली द्रव्य है, वो ज्ञायक भाव आत्मा में। देखो जिस प्रकार चादर में से एक तार निकाल दो है सूत, तो चादर अखंड नहीं रहेगी, फिर सब तार निकल जाएंगे, फिर एक को जगह एक निकल गया तो सबको स्पेस मिल जाएगी अलग होने की। उसी प्रकार चार गुण की विकारी पर्याय को अन्य के कारण कहोगे तो एक पर्याय के निकल जाने पर चारित्र गुण अखंड नहीं रह सकेगा। द्रव्य तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन उसकी श्रद्धा में अखंड द्रव्य नहीं आए। कितना सुंदर स्पष्टीकरण, सांगो पांग हर चीज पढ़े नहीं, व्यवस्थित स्वाध्याय करे नहीं, मुख्य मुख्य 2-4 गाथाएं ही पढ़े, वो ही पढ़ावे, वो ही सुने, वो ही सुनावे। क्या था कि बहुत से लोग तो जब शिविर लगता था ना तब जाते थे, और गुरुदेव शिविर में कुछ सिलेक्टेड गाथाएं भी लेते थे, तो बस वो ही शास्त्र में वो ही है, बस और कुछ है ही नहीं। और ये तो गुरुदेव के प्रसन्न 52 के प्रवचन है, 52 के, बोलो आप हैं। इसी तरह अभी ये नीचे नंबर दिए है ना, अच्छा इसको ही ले लेते,
कारण कहोगे तो अन्य के कारण माने वो स्वयं से उत्पन्न नहीं हुई अपने उपादान से, वो कर्म से उत्पन्न हुई है या परपदार्थ से उत्पन्न हुई है ऐसा मानो तो पर्याय को निकाल दिया माने पर के खाते में डाल दिया और तुम्हारा गुण बिना परिणाम परिणमित हुए रह गया तो द्रव्य की अखंडता खंडित हो गई। हाँ, एक पर्याय कम हो गई, जीरो हो गया उस समय, वो एक गुण की कम हो गई तो द्रव्य की कम हो गई। ऐसी बातें कहां मिलती हैं? है देखो भाई, प्रयोजन के लिए दृष्टि प्रदान कथन तो वरदान है, पर वस्तु स्वरूप के निर्णय में अगर भूल होगी तो उसको दृष्टि का विषय आंख में नहीं आएगा। उपादान निमित्त की स्वतंत्रता, दो द्रव्यों की स्वतंत्रता, यथा योग्य एक पर्याय की स्वतंत्रता, वो सब ख्याल में होनी चाहिए। सर्वत्र भगवान की वाणी में सर्वज्ञ होना चाहिए, वो तो प्रिंटिंग की गड़बड़ दिखती। सर्वज्ञ भगवान की वाणी में जाति अपेक्षा छह और संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्य कहे गए, उनके द्रव्य गुण पर्याय स्वतंत्र हैं। पर्याय विकारी हो या अविकारी, वो पर के कारण से मानने में आए तो लोकालोक का नाश हो जाए, गजब है। वो बोलते हैं ना, 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े, वैसी भाषा है। लोकालोक का नाश कैसे हो जाएगा कि तुमने अपनी पर्याय को पर के कारण माना ना, है तो मतलब तुमने अपने को और पर को एक रूप माना। पर पदार्थ ने तुम्हारे भीतर राग पैदा किया ना कर्म के उदय ने, और कर्म का उपशम होएगा तो वो सम्यक्त देगा तुमको, या भगवान की कृपा होएगी तो सम्यक्त मिलेगा। पर के कारण अपना परिणमन होता है तो उसने अपने द्रव्य का अपनी मान्यता में से, जिस कहते हैं ना सत्यानाश किया, सत्यानाश वास्तव में सत्तानाश है। वो क्या लोग में कहते हैं सत्यानाश हो जाए, मतलब जड़ मूल से उखड़ जाए, इसकी सत्ता समाप्त हो जाए। बहुत बहुत बड़ी गाली है ये, हत्या है, हत्या दूसरे के प्रति, तो वैसा हो जाएगा। और जब तो अपने द्रव्य का अस्तित्व नहीं माना तो किसी द्रव्य का अस्तित्व नहीं माना, इसलिए लोकालोक का नाश हो। हाँ, कितनी बड़ी भूल है ये बात है, छोटी मोटी बात नहीं, उसका असर बहुत होता है। हाँ, उसके इफेक्ट में लोकालोक के नाश का प्रसंग आता है, और लोकालोक का नाश तो होने वाला है ही नहीं, तेरी पर्याय में ही तेरा नाश होएगा, तो एक इंद्री में जाना पड़ेगा। देखो, जितने भी पुण्य पाप के भाव हैं इस चारों गतियों में घूमने के, ये तो समझ लो एक बहुत टेम्परेरी रिलीफ है मनुष्य देव नार की, मूल स्थान तो एक इंद्री ही है, है? कहा है ना 2000 सागर के लिए तरस पर्याय मिलती है, लेकिन 2000 सागर भी कम नहीं होते भाई साहब, सम्यक दर्शन तो एक समय में होता है, हैं? इसमें चिंता करने की बात नहीं है। अभी मैं एक प्रवचन जो सागर में पंडित साहब का हुआ वो मैं सुना, बोले चिंता मत करो, पुरुषार्थ करो भाई। और पुरुषार्थ में भी सम्यक पुरुषार्थ होना चाहिए, कर्तव्य बुद्धि का नाश होना चाहिए। पुरुषार्थ का ये मतलब नहीं कि मुझे करना है, मुझे करना है, करना कुछ नहीं है, या अपने से होना कुछ नहीं है, और पहाड़ पूरा अपने माथे, ऐसा है जगत के जीव की हालत है। हाँ, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ते जैसा। आपने तो थोड़ा संभाल लिया, आधा आधा बोला। सबकी बात है अज्ञान दशा में भाई, 500 कड़ियों की सांकल में से एक कड़ी के निकाल देने पर बड़ी सांकल नहीं रहती, टूट जाती। ये क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि इसी से तो होती है, हैं? अभी आज आए थे वो एक मित्र अपने, यही देवलाली, अकाल मृत्यु को नहीं मानते आप लोग, अच्छी बात है भाई। वो कहते लोग ऐसा कहते, मैं ऐसा कहता हूं ऐसा नहीं, लोग ऐसा कहते। एक बस गिर गई, उसमें 10 आदमी मर गए, तो ये बस गिरेगी और इन व्यक्तियों की मृत्यु होगी और इतने घायल होंगे,
ये बात भगवान जानते कि नहीं जानते? किसी में हिम्मत है कहने की नहीं जानते है? तो कल्याण योग की भाषा में अकाल मृत्यु बोलते हैं, वो आयु कर्म के निषेक सब उदीर्ण हो जाती है ना तरत, और वो उदीर्ण होगी कि नहीं होगी ये भगवान जानते कि नहीं है, और कब होएगी वो अकाल का भी स्वकाल है उसका भी स्वकाल निश्चित है। जैसे कहते हैं मरण की घड़ी निश्चित है, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों, प्रत्येक द्रव्य के अनादि अनंत काल में भूत भविष्य और वर्तमान काल की पर्याय हैं। तो अनादि अनंत अखंड है काल का प्रवाह, काल द्रव्य का भी प्रवाह अनादि अनंत अखंड है, और प्रत्येक द्रव्य का स्वकाल अनादि अनंत है, तभी तो कहते हैं आत्मा अनादि अनंत है हाँ। इस प्रकार तीन काल की पर्यायों का पिंड द्रव्य है, इसमें वर्तमान पर्याय को भी लिया अभेद रूप से, वो तो त्रिकालवर्ती पर्याय रूप परिणमेगा, कभी भी उसका परिणमन बंद नहीं होगा। वो तो उदाहरण दिए ना, जैसे कि मान लीजिए ये ऑटोमेटिक चीड़ी अभी तो नासिक रोड स्टेशन पे भी लग गए ना एस्केलेटर है, तो ऊपर आती है तब तो सीढ़ी बन जाती है लोहे की प्लेट जो है, और अंदर जाती है तब वो प्लेट बन के ही अंदर जाती है तो वो उसमें से निरंतर उत्पन्न होती रहेंगी द्रव्य में। द्रव्य में कोई पर्यायों की छल्ली लगी हो है, कोई गोडाउन हो, थप्पी पड़ी हो, ऐसा नहीं। अरे यू समझो ना भाई, सिंपल बात है। अब आपने आपके पास में एक समझ लो 4-5 ग्राम का एक टुकड़ा पड़ा है सोने का, आपने उसकी अंगूठी बनवा ली, तो अंगूठी कहां से पैदा हुई? सुनार ने उसमें डाला वो आकार कि स्वर्ण ने ही वो आकार अपने में उत्पन्न किया है, और अपने में उत्पन्न किया बराबर है, कल कहां था वो? तो सिवाय इसके और क्या कहा जा सकता है कि वो उसमें ही था। था माने कोई अंगूठी रूप में था ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो कल का स्वर्ण था वही अंगूठी रूप परिणमेगा, ऐसी योग्यता उसमें थी, ये है। हाँ, पर्याय स्वकाल से परिणमित होने वाली है, ये पर्याय तरफ से बात है। प्रमाण की भाषा बोलो द्रव्य अपने प्रत्येक काल में प्रति समय परिणमित होता है। द्रव्य के परिणमन का ही नाम पर्याय, द्रव्य की अवस्था विशेष को पर्याय कर, गुणों की अवस्था विशेष को पर्याय कहते हैं। गुण कहोगे अभेद रूप से द्रव्य कहो, ऐसा है। पर्याय माने अवस्था, मराठी में पर्याय माने अल्टरनेट है कि नहीं? सहसा परिश्रमाची पर्याय नहीं। जब वो इमरजेंसी लगी थी ना 1975, उस दिन में इंदौर में था जब इमरजेंसी 10 दिन लगी थी मुझे यहां से शिविर में गया था मैं तो क्या हुआ, हिंदी में लिखा रहा था परिश्रम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और महाराष्ट्र में लिखा जाता था परिश्रमाची पर्याय नहीं। और अभी भी ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में टीवी पे जो बहस चलती है, तो जो मराठी भाषी जो लोग आते हैं वो कहते हम कोशिश कर रहे हैं पर्याय सरकार बनाने की, ऐसा मैंने सुना 2-3 दिन पहले ये वर्ड, पर्याय सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। द्रव्य सरकार नहीं बनेगी पर्याय बनेगी। अरे वो द्रव्य पर्याय की बात अलग है, वैकल्पिक मतलब जो नहीं बन रही है, नहीं काम हो रहा है, तो दूसरा अल्टरनेट क्या है? यहां तो अनादि अनंत काल में भूत भविष्य और वर्तमान काल की पर्याय हैं, तो तीनों काल की पर्यायों का पिंड द्रव्य है, जिसके यही तो लिखा है टोडर मंजी ने, द्रव्य तो शुद्ध शुद्ध पर्यायों का पिंड है ये वास्तव में उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का कथन है। एक बार मेरी पवन जी से और दादा भी उस दिन थे वहां मंगलायतन में, 5-7 बरस हो गए, मैंने मोक्षमा प्रकाशक भी पंक्तियां निकाली, इसका क्या अर्थ करना,
कि द्रव्य तो शुद्ध शुद्ध पर्यायों का पिंड है, तो ये उत्पाद व्यय सापेक्ष और खरेखर और अच्छे से देखा जाए तो कर्मोपाधि सापेक्ष तीन है ना, अशुद्ध भेद कल्पना सापेक्ष, उत्पाद व्यय सापेक्ष और कर्मोपाधि सापेक्ष माने उस व्यू से द्रव्य को देखना, तो वो ज्ञान का नाम अशुद्ध नहीं है, वो ज्ञान अशुद्ध हो नहीं जाता, लेकिन उसने पर्याय को द्रव्य के साथ में देखा, समझ में आया, सॉरी द्रव्य को पर्याय के साथ में देखा, इसलिए तो उसका नाम द्रव्यार्थिक है, और पर्याय को द्रव्य के साथ में देखे तो वो अशुद्ध पर्यायार्थिक नहीं होता, सत्ता सापेक्ष अशुद्ध पर्यायार्थिक नहीं, ऐसा नहीं है क्या, थोड़ा सा इसमें कोशिश करने की बात, ज्यादा कठिन नहीं है, हाँ पर्याय के साथ में, पर्याय हम पर्याय की तरफ से देखो, पर्याय के साथ में देखो, यहाँ अशुद्ध नय नहीं लिया, यहाँ तो तीन काल की पर्याय स्वरूप है, गुण पर्याय वद द्रव्य ऐसा, अभी देखना जिस द्रव्य की भूतकाल की पर्याय हो गई वे तो कम की नहीं जा सकती है, और वो कहाँ गई वो वो पर्याय की आयु ही एक समय की है, इसलिए कहां गई का प्रश्न नहीं उठता, द्रव्य इस देखो वस्तु का तो नाश होता नहीं है और द्रव्य ही परिणमता है, तो द्रव्य समझ लीजिए सोने की अंगूठी बनी, फिर उसी को तोड़ के सोने की चूड़ी बना दी, तो स्वर्ण तो कायम है ना, तभी तो अंगूठी का जाना और चूड़ी का आना ये संभव है, तो अंगूठी का स्वरूप ही ऐसा है कि वो कोई स्वर्ण में जमा रहती डिपॉजिट में और फिर वो पर्याय चूड़ी वाली निकली और अंगूठी वाली उसके भीतर घुस गई है सोचो आप सोने की अंगूठी के उदाहरण से द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप आसानी से समझा जा सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। वही फुहारे वाला, हाँ वो पानी की लहर जो है, आपने मेरा काम आसान कर दिया, मैं तो सोच रहा था आपने बोल ही दिया पानी की जो तरंग लहर उछल रही है वो पानी में समा गई, समुद्र की लहर समुद्र में समा गई, अब वो लहर नहीं है, वो अखंड समुद्र में मिल गई, इसका नाम वो पारिणामिक भाव बन गई, तो पारिणामिक भाव बन गई, तो कोई उदय भाव अंदर चला गया, समझ में आया कि छायिक भाव अंदर चला गया, ऐसा नहीं है, वो लहर के जो कलर है ना, हरे पीले नीले जो लाइट के संयोग से पड़ रहे हैं वो अंदर नहीं जाते, तो वो कहाँ गए, अरे उनकी आयु ही एक समय की थी तो वो एब्सेंट हो गए, अब वो लहर उसमें चली गई, तो जो पर्याय द्रव्य में जाती है ये कथन है, ये कालांश जो है वो अखंड काल में मिल जाता है, जैसे वर्तमान अगले समय में भूत बन गया, आज कौन सा दिन है, गुरुवार है ना, है तो कल बुधवार था, तो अब ये बुधवार कल एट प्रेजेंट था और अब ये पास्ट हो गया, कहाँ गया बताओ, वो काल खंड कहाँ गया, जो नाम देना तो वो तो व्यवहार है, मंगल बुद्धि नाम देना, और गुरुवार ये कल कहाँ चला जाएगा, और शुक्रवार कहाँ से पैदा होगा, आज कहाँ खड़ा है, रास्ता लेन में लगा है लेन में, जैसे कभी कभी बहुत सारी ट्रेनें इकट्ठी हो जाती है ना, हम तो प्लेन में देखा है, अमेरिका में तो 10-10-20 प्लेन लेन से लगे हुए, अब इसको उड़ाएंगे, अब ये उड़ेगा, अब ये उड़ेगा, दो दो तीन तीन मिनट बाद एक एक प्लेन का नंबर आएगा, अपने लेन में लगे हुए, तो ये शुक्रवार और शुक्रवार की सारी घटनाएं, कल किसका जन्म होना है, किसकी शादी होना है, किसी का मरण होना है, किसी को बीमार होना है, हैं, किसी बच्चे की परीक्षा होना है समझ में आया है ना, ये सब लेन में लगी है घटनाएं, लेन में लगी है का मतलब ये है कि वो खड़ी हैं अंदर उस रूप में, ऐसा नहीं है एक कल ये होंगी, ऐसा ज्ञान में प्रत्यक्ष भाषित होता है, ये प्रवचन सार की ये शैली बहुत बढ़िया है, भूत और भविष्य की पर्यायें भी कथनचित सत हैं और कथनचित असत हैं,
सत उत्पाद और असत उत्पाद है कहां से आई? तो द्रव्य में से आई। द्रव्य में से तो वो त्रिकाली अखंड काल का, जैसे कि मान लीजिए वो प्लेट है ना, प्लेट कौन सी, वो सीढ़ी वाली, अब वो बाहर आ गई। अब सीढ़ी में तो उसमें तो क्या है, शुरू में एक दो तो प्लेन ही रहती है, ये तो उदाहरण है। जब वो सीढ़ी बनी तो वो पर्याय सामान्य है। अब उसमें बुड्ढा खड़ा है कि बुड्ढी खड़ी है, कि बच्चा खड़ा है, कि अटैची रखी है, कि बैग रखा है, इससे उसका क्या संबंध? वो बैग बाहर से रखा गया है, कोई अंदर में से तो आया नहीं। और जब वो सीढ़ी अंदर जाएगी तो वो बैग थोड़ी अंदर चला जाए। ये उपाधियां हैं ऊपर, केवल ज्ञान भी केवल ज्ञान तो ऐसा है कि वो द्रव्य की शक्तियां सामान्य और उसका परिणमन विशेष दोनों एक सरीखे हो गए, इसलिए फर्क नहीं मालूम पड़ता। मूल तो जो उदय उपशम में ज्यादा फर्क मालूम पड़ता, स्वरूप तो सबका एक सा है। क्या अर्थ है इसका? अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? बस वो ही अंगूठी की भाषा में बोलो, आज जो हमने सोने की अंगूठी में बनाई, ये कल बना देगा सुनार, तो वो अभी अभी उसमें खचित है। खचित है माने कि स्वर्ण उस रूप परिणमित होगा, ऐसा वस्तु स्वरूप है, इसका नाम खचित है। कोई जैसे वो हीरे की अंगूठी या वो कंगन वगैरह बनाते हैं, तो प्योर हीरे की थोड़ी बनते सारे, वो तो गोल्ड में लगाते हैं ना, उसके जो छोटा बड़ा जिसको जो पसंद हो गए, तो ऊपर से जड़ा हुआ है। तो आता क्या है, कालांश प्रकट होता है और कालांश ही अखंड में जाता है, बाकी सब उपाधियां द्रव्य की क्षणिक योग्यता से वो पर्याय वो कालांश लेके आता है। किस काल में कौन सा भाव होगा, वो काल उसके काल की स्वतंत्रता पर्याय, ऐसा है, खचित है। हाँ सर, पर्याय बिना नहीं रहता, ये तो एट प्रेजेंट की बात है, ये भूत और भविष्य की उसमें खचित है। हाँ, भविष्य में भी नहीं रहेगा, भविष्य में भी पर्याय होती रहेगी। हाँ, ये इसमें आया, कट नहीं लगेगा, ये कट नहीं लगेगा माने कालांश में कट नहीं लगेगा। और हर काल का, क्योंकि काल तो एक समय बढ़ती है ना वर्तमान, तो उसमें उदय भाव होगा, उपशम भाव होगा, क्षय उपशम भाव होगा, क्षय भाव होगा, ये सब उसकी योग्यता सदिश्य। और ज्ञान में झलकती है, ज्ञान जानता है, इसलिए वो विद्यमान है। इसलिए कहते वो भूत भविष्य की पर्याय भी द्रव्य में विद्यमान, नहीं तो ज्ञान क्या जानता, कैसे जानता? हाँ ये विद्यमान का मतलब को वो उस पर्याय बनकर के वहां बैठी हुई है, ऐसा नहीं है। हाँ, अभी आप नाटक में देख लो, आप जैसे एक व्यक्ति जो है, कोई कोई नाटक में बहुत सारे रोल उसको मिल जाते, सिनेमा की बात तो अलग है, नाटक में अब वही समझ लो, एक में एक सीन में कुछ बन के आ गया, दूसरे सीन में दूसरा बन के आ गया, तब उसका भी बेस उसमें खचित है भूतकाल का। खचित का क्या मतलब, भूतकाल में ऐसा था, समझ में आया? और खरे खर तो प्रत्येक समय अपने समय का वर्तमान है। कल बुधवार था, आज भले वो कल हो गया, लेकिन कल तो वो आज ही था ना और जो कल शुक्रवार आएगा तो वो भले आज हम उसे आज की भाषा में देखें तो वो कल आएगा, हाँ, भविष्य, लेकिन जब वो आएगा तब वो वर्तमान बन। इसलिए तो दुकानदार लोग लिखते हैं, आज नगद कल उधार, कल से उधार देना प्रारंभ होगा इस दुकान में, ऐसा एक जगह में देखा था महावीर जी में, ग्राहकों के लिए शुभ सूचना, ऐसा लिखा था, ग्राहकों के लिए शुभ सूचना, कल से उधार देना प्रारंभ हो जाएगा। अब इसलिए तो अंग्रेजों ने भी इस बात को समझा, टुमारो नेवर कम्स है। हाँ, ऐसा थोड़ी, कल वो सर्वनाम है, शुक्रवार संज्ञा है, आज कल और ये सर्वनाम है।
होती है, अनेक पर्याय होती है, जिस समय जो होने योग्य है उस समय वो होती है, उसी में से वो ही द्रव्य परिणमित होगा। हाँ, ये स्वतंत्रता बता रहे। जिस द्रव्य की भूतकाल की पर्याय हो गई वे तो कम नहीं की जा सकती, और द्रव्य की भविष्य की पर्याय होती हैं वे भी कम नहीं की जा सकती। अरे यार, भविष्य की तो कर सकते हैं ना, है कैसे करोगे? तुम्हारे हाथ में भविष्य है, क्योंकि जब वो भविष्य आएगा कम करने के लिए तो वो वर्तमान बन के आएगा भाई साहब। तुम्हारे हाथ इतने लंबे नहीं है कि एक समय छोड़ के दूसरे समय में भी प्रवेश चले जाओ। सारा खेल जो है वर्तमान का है, हैं? उदाहरण के लिए हम सामान बनाए खाने का, हाँ, कल के लिए तो भूत आगे खा लो आधा, अपने का भविष्य के लिए, भविष्य के लिए रख लो, भविष्य के जो होना था ज्यादा उसको कम कर लिया। बहुत सुंदर विवेचन। द्रव्य की भविष्य की पर्याय होती हैं, और कम करके कहाँ ले जाओगे उसको, कहाँ फेंकोगे? यही बता रहे हैं इसमें। तो द्रव्य को नहीं माना उसने, इसलिए लोका लोक नष्ट हो जाएगा। है कितनी वजनदारी से बात कही है। द्रव्य संग्रह जैसे ग्रंथ में भी समझ लो पूरा प्रवचन सार का, या अन्य जितने भी द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप के ग्रंथ पंचास्तिकाय का सार ही है इसमें। अब देखना, अभी तीसरा पॉइंट। अब वर्तमान में एक समय की पर्याय में अज्ञानी जीव गड़बड़ घोटाला करता है, तो भूत उसके हाथ में है नहीं क्योंकि वो गया, भविष्य उसके हाथ में है नहीं क्योंकि वो आया नहीं। अब वर्तमान को बदलो, जो हो रहा है उसको बदला मत होने दो, उसमें बदला बदली करो, उसे हटाओ। हाँ, तो देखो ये तो वर्तमान में जीव क्या घोटाला करता है, ये राग पर के कारण हुआ है ऐसा मानना, ये घोटाला है। क्या ऐसे जीव है कि राग आत्मा में होता ही नहीं, राग तो पुद्गल में ही होता है? इसे बड़ा आश्चर्य होता है मुझे तो। कोई भी व्यक्ति जो इसने गुरुदेव को सुना है, और अगर वो कोई एकांत पक्ष की बात करता है, तो मुझे आश्चर्य भी होता है और थोड़ी पीड़ा भी होती कि मनुष्य भाव गया इसका, कि इतना सब तत्व निर्णय अभी यथार्थ नहीं है। अभी तो तत्व निर्णय यथार्थ नहीं है। पहला कदम बाबू भाई एक बार कहते थे, प्रथम ग्रासे मक्षिका। अभी तुम्हारे तो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का निर्णय यथार्थ नहीं है, तुम क्या पर्याय को द्रव्य में एकाकार करके और अनुभव की बात करते हो, ऐसा बोलते थे। तो और शब्द के कारण ज्ञान पर्याय हुई, ये पहले आया था ना, शब्द बंद सूक्ष्म स्थूल। आत्मा ने बोला, सर्वज्ञ भगवान की वाणी खिरी, और उससे हमें ज्ञान हुआ है। तो वाणी के कर्ता सर्वज्ञ भगवान और ज्ञान का कर्ता वाणी, हो गया घोटाला। इस प्रकार एक समय की पर्याय को पराधीन मानता है। यहां तो भजन इस पे है, जब उत्पाद वह द्रव्य का स्वरूप है, परिणमन करना द्रव्य का स्वभाव है, तो तेरे पर्याय को दूसरे ने किया, वो दूसरा उसका करता है, ये कैसे संभव? उसका व्यवहार से तो है, व्यवहार से कथन किया जाता। गुरुदेव जो थोड़ा उसको लाइटली, वो तो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कहा है, ये लोग उसका पूरा मर्म समझते नहीं है। थोड़ा लाइट कर देते ना गुरुदेव, उस पर भजन नहीं देते। वो तो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कहा है, तो बात तो ऐसी ही है। मतलब कथन तो सापेक्ष होता है ना, एक से दूसरे की पहचान कराते हैं। एक समय की पर्याय को पराधीन मानता है, अपने कारण से नहीं मानता। बोलो, राग भी है अपने कारण से, यानी द्रव्य कारण है। जैसे ना चार की भाषा में बोले तो अशुद्ध उपादान उसका कारण, इससे द्रव्य खंड खंड हो जाता है। मतलब पर्याय को तुमने दूसरे को दे दिया तो खंड खंड हो गया, एक पर्याय टूट गई, क्योंकि तुमने उसका कर्ता पर को माना, तो अब द्रव्य अखंड नहीं रहा, त्रिकाली नहीं रहा। गजब बात, ऐसे न्याय कौन निकाले? बोलो, ये दुर्लभ है ये न्याय। एक समय में तेरा परिणाम तेरे से नहीं है,
ऐसा मान्य में आवे तो वर्तमान रूप में ऐसा प्रकट नहीं होता। मतलब तेरी पर्याय वर्तमान में कहां से आई से अगर तेरे स्वरूप नहीं है तो, मतलब तेरा अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता। तू त्रिकाली तो रहता नहीं है, राग होता है तो तेरे से, देखो द्वेष होता है तो तेरे से, तेरे से माने प्रमाण की भाषा में बोलो तो वो द्रव्य ही उसका अशुद्ध उपादान कारण है, और पर्यायार्थिक न्याय की भाषा में बोलो तो पर्याय की तत्समय की योग्यता कारण, दोनों दोनों ले उपादान तीन तरह के लेते हैं ना। दो नंबर वाला उपादान तो व्यय रूप कारण, इसके बाद ये आए, जैसे अपन यहां आते हैं ना तो इगतपुरी से आते हैं देवलाली, तो इसके पहले कौन सा स्टेशन पड़ता है छोटा सा अस्वली क्या नाम है ना, तो अब वो आ गया तो समझ लो अब देवलाली आएगी ऐसा। हाँ अनंतरपुर क्षणवर्ती, खरेखर तो अनंतरपुर क्षणवर्ती पर्याय अब तत्काल वो विवक्षित वर्तमान पर्याय होने वाली है, इसका ज्ञान कराता है। करण लब्धि से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है तो करण लब्धि का तो व्यय हो जाता है, एक करण लब्धि के बाद सम्यक दर्शन होएगा, इसलिए वो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय अथवा पर्याय युक्त द्रव्य। फूलचंद जी शास्त्री पंडित जी थे, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोगों ने, सर आपने देखा पंडित फूलचंद जी शास्त्री, बहुत बड़े विद्वान अपने दिगंबर समाज के हुए और बनारस के थे, और दिगंबर समाज में गुरुदेव को शास्त्राधार से तर्क से प्रमाण से मतलब प्रमाणित सिद्ध करने में उनका बड़ा योगदान, मुखानिया चर्चा वगैरह जो उनने लिखी। देखो राग होता है तो तेरे से, द्वेष होता है तो तेरे से, सम्यक दर्शन होता है तो तेरे से, और वीतरागता होती है तो तेरे से होती। ओ वीतराग के वचन, खुद को इतनी महिमा आई, एक एक शब्द में अनंत अगाध आगम भरा हुआ है, ऐसी कोई रचना है। मेरे को बहुत आनंद आया इसको मैंने देखा पढ़ा, उनके यार ये तो पेज ही पूरा गजब का है ऐसा। आज मुझे विचार आया था कि लोग ले जावे इतनी है, मैंने तो यहां से देखेंगे, आप रखो घर पे जिसको पढ़ना हो। एक समय की पर्याय पर के कारण माने तो द्रव्य सिद्ध नहीं होता, इसे न्याय, जिसने न्याय शास्त्र की पहली किताब भी नहीं पढ़ी, मतलब ऐसी व्यवस्थित रूप से, स्वाध्याय में तो बहुत पढ़ा फिर, लेकिन छठवीं क्लास पास आदमी उसने ये न्याय निकाले, और सन 52 में गजब हो गया, 1890 में जन्म हुआ और 45 वर्ष यानी 1935 में सोनगढ़ गए, ये 17 वर्ष बाद के प्रवचन सोनगढ़ जाने के, और केवल ज्ञान भी सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन ये तो द्रव्य संग्रह के प्रवचन में कहा, बाकी प्रतिपादन तो शुरू से ही ऐसा करते थे, कर्म के कारण विकार नहीं होता, ये तो दीक्षा लेने के एक वर्ष बाद ही उन्होंने डंका बजा दिया लाठी में। एक समय की पर्याय पर के कारण माने तो द्रव्य सिद्ध नहीं होता, केवल ज्ञान भी सिद्ध नहीं होता, द्रव्य सिद्ध नहीं होगा तो उसकी शक्तियां कैसे सिद्ध हुई, 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य कम करने पर, एक गुण कम करने पर, एक पर्याय अन्य के कारण मानने पर, अथवा काल द्रव्य को न मानने पर, अभी तो काल की चर्चा है, ज्ञान और श्रद्धा खंड खंड हो जाती, वस्तुओं का खंड और ज्ञेयों का खंड हो जाता है। वाह, वस्तुओं का, वस्तु तो गे है ना, ज्ञान है ना, वो ज्ञान ही विपरीत हो गया। एक समय की पर्याय स्वतंत्र है, ऐसा निर्णय करने पर जीव द्रव्य का निर्णय होता है, देखो कितना सुंदर स्लोगन है ये, एक समय की पर्याय स्वतंत्र है, ऐसा निर्णय करने पर जीव द्रव्य का निर्णय होता है, और केवल ज्ञान का भी निर्णय होता है। मुद्गल की पर्याय छाया तम वगैरह आदि पर के कारण हो, यहां पर्याय का षटकारक जुदा नहीं लेना, वो द्रव्य की स्वतंत्रता है उस पर्याय रूप से परिणम नहीं, द्रव्य करता है पर्याय कार्य है उसका,
अपना कार्य करने के लिए द्रव्य स्वतंत्र है, या पर्याय से भिन्न द्रव्य को नहीं बताना है। पर से भिन्न पर्याय, पर्याय जो हुई है वो पर के कारण नहीं हुई है, ये बताना। हाँ, ऐसा निर्णय करने पर जीव द्रव्य का निर्णय होता है, केवल ज्ञान का भी होता है। अब अंतिम पैराग्राफ लेते हैं। भव्य जीव सिद्ध का विचार करता है, यदि निमित्त के कारण विचार होवे तो विकल्प स्वतंत्र नहीं रहता। मतलब निमित्त और लक्ष्य जाएगा तो अपनी योग्यता से विचार होता है, कोई निमित्त थोड़ी विचार पैदा कर देता है। हाँ, इस प्रकार विकल्प भी स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है माने पर ने नहीं किया, ऐसा उस द्रव्य ने स्वयं किया, ये यहां पर आशय। ऐसा मानकर विकल्प तो मेरा त्रिकाली स्वभाव नहीं है, मैं तो ज्ञान मात्र हूं, ऐसी उपादान दृष्टि होने से सम्यक दर्शन और ध्यान प्रकट होता है। बोलो, अब वो पर्याय द्रव्य अपनी पर्याय को उत्पन्न करने में स्वतंत्र है तो द्रव्य दृष्टि होएगी, ऐसा मानेगा तो जब पर से दृष्टि हटेगी ना, और फिर स्वभाव पे चली जाएगी कि पर्याय कहां से आई, द्रव्य में से आई, ऐसा। और हैं, हाँ, और द्रव्य कैसा है, ज्ञायक है। उसमें सिद्ध भगवान निमित्त है, कहना तो ये है, सम्यक दर्शन और ध्यान में सिद्ध पर्याय में वे प्रेरणा से प्रणमन नहीं कराते। उसी प्रकार जब जीव और पुद्गल स्वयं गति करते हैं तब उनके धर्म द्रव्य निमित्त। सिद्धांत तो ये है, सिद्ध भगवान का तो उदाहरण है, लेकिन उस उदाहरण में ही उनने पूरा सिद्धांत भर दिया। धर्म द्रव्य प्रेरणा से गति नहीं कराते। ये 17वीं गाथा हुई, अब 18वीं गाथा और उसकी टीका अपन आगे लेंगे। अभी यही विराम लेते।